दोस्तों भारतीय टीम का विश्व कप 2019 जीतने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब भारतीय समर्थकों को उम्मीद है कि हमारी टीम 2020 T20 विश्व कप जीतेगी। आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो विश्व कप 2019 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन 2020 के T20 विश्व कप में इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना काफ़ी मुश्किल है। केदार जाधव नियमित रूप से भारतीय वनडे टीम का हिस्सा तो बने हुए हैं, लेकिन केदार जाधव को चयनकर्ता T20 की टीम में नहीं ले रहे। विश्व कप 2019 के दौरान वे चौके छक्के लगाने में संघर्ष करते हुए नजर आए थे, इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद टीम की प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया गया था और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 टीम में भी चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका नहीं दिया था, जिसमें साफ पता चलता है कि वे अब T20 विश्व कप की योजना में नहीं हैं। दिनेश कार्तिक के लिए अगर कहा जाए कि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर खत्म हो गया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इस बात के संकेत खुद भारतीय टीम के चयनकर्ता भी दे चुके हैं। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिनेश कार्तिक को न वनडे टीम में मौका दिया था और न ही T20 टीम में, जिससे चयनकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया था कि दिनेश कार्तिक का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर अब समाप्त हो चुका है। वह 2020 के T20 विश्व कप में भारतीय टीम की योजनाओं में शामिल नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाला 2020 T20 विश्व कप खेलना बहुत मुश्किल लगता है। महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी ने भारतीय टीम के लिए विश्व कप 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उनके इस अच्छे प्रदर्शन के बावजूद देश में उनके संन्यास के कयास लगाए जा रहे हैं। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने खुद को चयन के लिए अनुपलब्ध कर दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि वह कभी भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। वहीं चयनकर्ता भी कह चुके हैं कि ऋषभ पंती तीनों फॉर्मेट में भारत की नंबर 1 पसंद हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले जाने वाले T20 विश्व कप में MS धोनी का खेलते हुए नजर आ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। भारतीय टीम ऋषभ पंत को ही 2020 T20 विश्व कप के लिए तैयार कर रही है। मयंक अग्रवाल को भारत की विश्व कप टीम में विजय शंकर के चोटिल होने के बाद मौका मिला था। हालांकि विश्व कप की प्लेइंग 11 में वह एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। मयंक अग्रवाल को विश्व कप टीम में चुने जाने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 टीम में जगह नहीं मिली थी, जिसे समझा जा सकता है कि वे विश्व कप की योजना में नहीं हैं। मयंक अग्रवाल एक स्पेशलिस्ट ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन भारत के पास पहले से ही रोहित शर्मा, KL राहुल और शिखर धवन के रूप में 3 स्पेशलिस्ट ओपनर शामिल हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल को T20 विश्व कप में मौका मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है। विजय शंकर के विश्व कप 2019 टीम में चयन में काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। अंबाती रायडू की जगह चयनकर्ताओं ने विजय शंकर को विश्व कप टीम में मौका दिया था, लेकिन वे विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बीच विश्व कप में वे चोटिल भी हो गए थे और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी चयनकर्ताओं ने उन्हें नहीं चुना था। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में भी चयनकर्ताओं ने उन्हें नहीं चुना। ऐसे में साफ जाहिर है कि वे भारत की विश्व कप T20 की योजना में शामिल नहीं है। वैसे भी भारतीय टीम के पास T20 विश्व कप के लिए हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और रविंदर जडेजा जैसे कई शानदार ऑलराउंडर हैं। ऐसे में विजय शंकर को T20 विश्व कप में जगह मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक को भी T20 विश्व कप में जगह मिलेगी या नहीं।